एक समय की बात है, एक बहुत बड़े तालाब के पास एक बगुला रहता था। वो बगुला हर रोज उस तालाब के पास आके तालाब की मछलियों को खाकर अपना दिन गुजारता था। उस तालाब के पास एक केकड़ा भी रहता था। थोड़े वक्त के बाद वो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जैसे दिन गुजरते गए, वो बगुला बूढ़ा होने लगा। दिन बे दिन उसकी ताकत कम होने लगी और वो मछलियों को भी नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़े दिन वो कमजोरी की वजह से भूखा ही सो जाता था। अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे कुछ तो जल्दी सोचना पड़ेगा, वरना मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, उस बगुले ने सोचा। थोड़े दिन गुजर गए। एक दिन वो केकड़ा तालाब के पास बगुले को मिलने के लिए आया। केकड़े को आते हुए देखकर बगुला सोच में पड़ने और चिंता करने का नाटक करने लगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, केकड़े ने पूछा। बगुले ने जवाब दिया, मैं क्या कहूँ, आज सुबह तालाब के पास आते वक्त मैं एक ऋषि को मिला। क्या कहा ऋषि ने, केकड़े ने पूछा। ऋषि ने बोला है कि यहाँ 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। वो सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं तो पक्का मर जाऊंगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ ना। मुझे तो बस तुम लोगों की चिंता है। बारिश के बिना तुम लोग कैसे जियोगे? मैं तुम्हारी परिस्थिति के लिए बहुत परेशान हूँ, बगुले ने केकड़े को कहा। बगुले की बात सुन के केकड़ा तुरंत तालाब की मछलियों के पास गया और उन्हें आने वाले संकट के बारे में बताया। उसे सुनकर मछलियां डर कर बोली, अरे अब हम क्या करें, पानी के बिना हम कैसे जिएंगे? हर रोज एक बगुला तालाब के पास आता है ना, उससे मदद मांगते हैं, एक मछली बोली। सभी मछलियां उस बात से राजी हुई और केकड़े की मदद से बगुले को मिलने के लिए गई। मछलियों ने कहा, बारिश के बिना तालाब में पानी नहीं रहेगा, आप कोई उपाय ढूंढिए और हमें आने वाले संकट से बचाइए, मछलियों ने बेनती करी। बगुले ने चालाकी से कहा, इस जगह से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा तालाब है, अगर चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को उस तालाब पर पहुंचाकर इस खतरे से बचाऊंगा। तुरंत सब मछलियां खुशी से मान गईं। तब से बगुले ने एक एक करके मछलियों को ले जाना शुरू किया। बगुला उन्हें नए तालाब के नाम पे लेकर जाता, पर रास्ते में ही खा जाता और वापस लौट आता जैसे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए। एक दिन केकड़ा बगुले के पास आया और बोला, कृपया करके मुझे भी उस तालाब के पास ले जाओ, मुझे भी अपनी जान बचानी है। बगुला भी हर दिन मछलियां खाकर उब गया था, तो उसने केकड़े को खाने का सोचा और केकड़े की बात मान ली। क्योंकि केकड़ा मछलियों से ज्यादा बड़ा है, वो बगुले की चोंच में नहीं बैठ पाया, इसलिए वो बगुले के पीठ पर चढ़ गया और आराम से बैठ गया। दोनों ने उड़ान शुरू की, पर बहुत समय के बाद भी जब केकड़े को तालाब नहीं नजर आया, वो अपना धीरज खो बैठा और बोला, और कितना दूर है वो तालाब? तब बगुले ने असली रंग दिखाकर बोला, मैं तुम्हें तालाब के पास नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बाकी मछलियों की तरह खाने वाला हूँ। केकड़े को बगुले का स्वार्थी रूप देखकर बहुत गुस्सा आया। केकड़े ने बगुले का गला बहुत जोर से अपने पंजों से पकड़ा। बगुला सांस नहीं ले पाया और गिर गया। तुरंत केकड़े ने अपनी जान बचाई और बची हुई मछलियों को इस घटना के बारे में सूचित किया। तभी से उन्होंने निर्णय ले लिया कि किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करेंगे।